आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ। नया सत्र अपडेट की बात करें उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के कावड़ियों के साथ बड़ा हादसा हो गया। हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर डंपर ने कावड़ियों के जत्ते को रौंद दिया। शुक्रवार देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुए हादसे में 5 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 ने अस्पताल में दम तोड़ा। कावड़ी हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल लेकर ग्वालियर आ रहे थे। सभी कावड़ी ग्वालियर के उटिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक कावड़ी ने बताया कि हम एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी ड्राइवर ने डंपर चढ़ा दिया। हादसा हाथरस में कोतवाली सादाबाद बड़ाहट चौराहे पर हुआ। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि हाथरस के कावड़े हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे थे। घटना के बाद ड्राइवर डंपर लेकर भाग निकला। हादसे में एक घायल है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जबर सिंह उम्र 28 वर्ष, रणवीर सिंह उम्र 30 वर्ष, मनोज पाल सिंह उम्र 30 वर्ष, रमेश पाल उम्र 30 वर्ष और नरेश पाल उम्र 45 वर्ष समेत 6 की मौत हुई। घायल कावड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 कावड़ियों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। तो ये तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।